कॅश प्राइज डोनेशनच्या रूपात या शृंखलेसाठी या मान्यवरांचं नक्की ज्या शृंखलेच्या माध्यमातून मी पुन्हा एकदा सहर्ष सहर्ष स्वागत करतोय. तो बिल्कुल काफी मेहमानों का अच्छा योगदान है इस प्रतियोगिता के लिए, जिनके ओर से काफी यहाँ पर इनाम मिलते जा रहे हैं. एक आर्थिक योगदान आयोजककर्ताओं को जो यहाँ पर बेनिफिट दे सकते हैं, किसी तरह का लॉस नहीं होगा, यानी अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है. तो अच्छी हेल्पिंग हैंड्स यहाँ पर सभी मेहमान, सभी का हार्दिक आभार. तो MTC.in यहाँ पर रेडी है मुकाबले को कवरेज करने के लिए. मयूर दाबने की जो वेबसाइट मॉडर्न टेनिस क्रिकेट, मुकाबला नंबर 2 वल्लभ बनाम तक्का. टॉस जीता तक्का टीम ने और सामने वल्लभ टीम के बल्लेबाज अमन पाटिल और दूसरे विनय गावंड. अमन पाटिल देखिए वल्लभ गांव में एक और बेहतरीन बल्लेबाज उभर के आए, जिन्होंने बालराम पाटिल चषक में यानी करीब 15 गेंद पे 53 रन ठोके थे और अपने लाइफ की पहली 50 अमन पाटिल ने लगाई थी. उसके बाद वही गेंद देकर सम्मानित जगन्नाथ महाराज आसन गांव इनकी ओर से अमन को सम्मान किया गया था. तो गेम ऑन, मुकाबला शुरू. पावर प्ले की ओवर, पहले गेंदबाज है दिनेश बहिरा और स्ट्राइक एट पर सामना करेंगे अमन पाटिल. दिनेश टू अमन, फर्स्ट बॉल. एक खेल लॉन्ग ऑन, दूसरा खेल लॉन्ग ऑफ में फील्डिंग की व्यूहरचना, पावर प्ले की ओवर. और ये बल्लेबाज को पता है कि सीधा खेलना है, क्योंकि आप फाइन लेग में थर्ड मैन में नहीं खेल सकते. पीछे आपका डिक्लेयर जोन है, यानी कि आपको सीधा ही खेलना होगा, यानी जिसमें ताकत होगी वो ज्यादा छक्के मार सके इस मैदान के अंदर. और अंपायर देखिए पालीकोट के अंकुश भोईर और दूसरे अंपायर कुशाल पाटिल डोंगरा से बड़ा. गेम ऑन, दिनेश टू अमन, फर्स्ट बॉल. और ये देखिए पहली गेंद हवा में. देखिए जब भी गेंद पीछे जाएगी तो आपको डिक्लेयर जोन में एक रन मिलेंगे, अगर फुल टॉस गेंद उसके ऊपर से जाती है तो 2 रन मिलेंगे. ये टूर्नामेंट्स का रूल्स है. ऊपर से अगर फुल टॉस गेंद जाती है 2 रन, अगर टप्पा जाते तो 1 रन. टीम का अकाउंट 1 रन. अमन पाटिल पहुंचे 1 और पहली गेंद दिनेश के. विनय गावंड आएंगे स्ट्राइक एंड पर, दूसरे बल्लेबाज, एक बेहतरीन बल्लेबाज और लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज. और यहाँ पे दिक्कत ही होगी, क्योंकि जब राइट हैंड लेफ्ट हैंड का बल्लेबाज उतरता है तो फील्डिंग में परिवर्तन होगा, थोड़ी सी कसरत करनी पड़ेगी खिलाड़ियों को. और कसरत करनी पड़ रही है हमारे अंपायर कुशाल पाटिल को. तो विनय सामने ओवर द विकेट. यदि यॉर्कर बॉल एक्सटर्म के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का था. वह काफी तेज गेंदबाजी कर रहे, रफ्तार आपके पास होनी चाहिए, पर लाइन लेंथ भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप कितनी भी गेंद फास्ट फेंको अगर गेंद लाइन लेंथ में नहीं होगी, लाइन टू लाइन, तो छक्के भी आ सकते हैं. और ये थी शॉर्ट बॉल, लेग बाइज का इशारा अंपायर का आता हुआ. एक रन जरूर मिलेगा एक्स्ट्रा में, टोटल आएगा स्कोर कार्ड पे 3 रन. अभी तक देखा जाए तो पावर प्ले के ओवर में 2 गेंदें फेंकी गई, 3 रन आए. दिनेश बहिरा जो पहले गेंदबाज है, और पहला गेंदबाज काफी खतरनाक, टीम का ताकतवर गेंदबाज होता है, यही चुना है, और उसके सामने भी उतने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज होते हैं. पावर प्ले के ओवर में टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज की भूमिका यही होती है कि पहले ओवर में 15-20 रन किस तरह से आएंगे. पिछले मैच में 52 रन बने और आपने देखा कि मैच वन साइड पूरा जीता चेरली टीम ने, यानी यहां भी अगर वल्लभ टीम 50-52 बनाएगी तो शायद कमबैक कर सकते हैं. और ये गेंद हवा में, विकेट कीपर ने कैच को छोड़ा और गेंद जाएगी यहां पर डिक्लेयर में, यहां से मिलेगा 2 रन. अंपायर कह रहे कि 2 रन, तो आयोजक क्या कहते हैं, 1 रन. गेंद हाथ को लगी गई है तो 2 रन मिलेंगे. टीम का टोटल 2 के साथ स्कोर कार्ड पे आएगा 5, 3 गेंद 5. दिनेश बहिरा की ये पहली ओवर है. तो अमन स्ट्राइक एंड पर फुल टॉस गेंद को लेग साइड में खेला हल्के हाथों से,
बैकवर्ड स्कोर के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, तेजी के साथ गेंद को फील किया, फेंका, तब तक मौका मिला बल्लेबाज को दो रन चुराने का। और विकेट कीपर देखिए काफी तेजी दिखा रहे, दो रन मिलेंगे, टीम का टोटल आगे बढ़ेगा स्कोर कार्ड पे मैच सात सात रन लगते हुए। अच्छा, हमारे साथ जुड़े सुनील गोंदी सर, बेहतरीन कमेंटेटर्स, लगातार सेकंड इनिंग के लिए उनकी तरफ चलेंगे क्योंकि वो काफी मैच को रोमांचक कर देते हैं, काफी मजा आता है, दर्शकों को इनाम भी जीता उन्होंने, यानी आज के पूरे सेकंड इनिंग काका मात्रे के पास। और ये क्लीन बॉल्ड, लेग स्टंप को, ऑफ स्टंप को डैमेज किया, मिडल स्टंप को डैमेज किया, शानदार गेंदबाजी अमन पाटिल, जो आशा आकांक्षा उनसे थी उस पर थोड़ी सी निराशा फैल कर मैदान से बाहर निकले। पहला झटका, पहला सदमा वल्लभ टीम को लगता हुआ मैच सात रनों पर। पांच गेंद सात, प्रवीण पाटिल वन डाउन के बल्लेबाज, मैदान के अंदर इन होंगे और आउट होंगे अमन पाटिल। लक्ष्मण रेश का उसको आपको फॉलो करना होगा क्योंकि वहां पे दो रनों की पैनल्टी हो सकती है, अगर जो बल्लेबाज आउट होता है वो पहले निकले उसके आगे तो पैनल्टी लग सकती है, यानी जो मैदान से अंदर जा रहा है उसको उसको पहला क्रॉस करना होगा। टूर्नामेंट्स के रूल्स, काफी बेहतरीन प्रतियोगिता जो हर साल की तरह, पिछले साल भी आपने देखा देवित सबाड़ा और वामजा टीम थी मेगा फाइनल खेलने के लिए, इस साल भी दो टीम मेगा फाइनल खेलेगी, पर इस साल 20 टीमें मौका मिला है, 20 टीमें यानी कि करीब 248 खिलाड़ी, यानी एक दिन 124 खिलाड़ी खेलेंगे। प्रवीण पाटिल एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी जो पहले ओवर फेंकते हैं, इस वक्त बैटिंग के लिए वन डाउन पे आए, रन मशीन ऑफ बॉलर टीम, ओवर द विकेट, सीधा फुल टॉस, गेंद को फेंक दिया ऑन साइड में और ये गेंद को रोकने में कामयाब, क्या फील्डिंग एफर्ट है वहां पे। प्रथमेश बहुत ही अच्छी फील्डिंग, कोशिश काफी अच्छी थी, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, एक यहाँ पे दो रन मिलेंगे और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर, वल्लभ टीम का टोटल एक विकेट के नुकसान पे 9 रन स्कोर कार्ड पे लगता हुआ। फुल टॉस गेंद, मैंने पहले कहा था जिसके पास ज्यादा ताकत होगी वही इस मैदान के अंदर छक्के लगा सकता है क्योंकि आपको सीधा खेलना है। काफी बातचीत चल रहा है आयोजक के बीच में, दस टीमों को एडजस्ट करना काफी मुश्किल होता है काका मात्रे, क्योंकि 8 टीमें को ले लो आप एक दिन का प्रतियोगिता में, बार बार फोन करना पड़ता है, अगर कोई टीम उसमें कैंसिल हो जाए तो उसमें तो आयोजक की पूरी पसीने छूट जाते, यही तो क्रिकेट है। तो दूसरे ओर लगे गेंदबाज है, इंदल, तो इंदल गेंदबाज करेंगे दूसरा ओवर, टोटल 9। विनय गावन काफी शांत है, पहले ओवर में दो गेंदों का मौका मिला खेलने के लिए उनको, देखना कि वही विनय गावन इस वक्त मैदान के अंदर क्या तहलका मचाते हैं क्योंकि 18 गेंदें बची है और टारगेट बड़ा सेट करना है। काफी शांत क्रिकेट, पहली इनिंग है, कोई दबाव नहीं होता बल्लेबाजों पे, खुल के आप बल्लेबाजी कर सकते हैं, ये पहले इनिंग का सत्र। यदि बैट कट और गेंद जाएगी डिक्लेयर जोन में, दो रन, विकेट कीपर ने काफी गलतियां की इस मैच में, अभी तक तो 3 गलतियां की है, 3 बार उनको गेंद नहीं मिली, टोटल आएगा स्कोर कार्ड पे 11। इंदल नामक गेंदबाज है, काफी खतरनाक गेंदबाज इंदल, दूसरे ओवर लेके आए है, काफी मैदान पे अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं और काफी मरतबा बेस्ट गेंदबाज का अवार्ड इंदल ने जीता है। तक्का वल्लभ, ये दोनों टीम की बात करेंगे तो शायद काफी कम मरतबा आमने सामने के लिए और इस साल लगता है पहली मरतबा। LBW लेग विपर विकेट की अपील, काफी अपील जोरदार थी, अपील में दम था, विश्वास की कमी है, अंकुश भोईर जो खुद एक गेंदबाज है अंपायरिंग कर रहे हैं उनके सामने अपील, यानी कि एक अच्छे अंपायरिंग में कहूंगा अंकुश भोईर के द्वारा, डॉट बॉल की समाप्ति। और ये देखिए अभी तक कोशिश में विनय गावड़ असफल है क्योंकि बड़ा शॉट उनके बल्ले से नहीं निकल रहा। सन्मान्य शांतराम पाटिल, इनका आगमन हो चुका है, सन्मान्य शांतराम पाटिल सेठ आइए मंच पर और उनके साथ सन्मानीय हरिश्चंद्र सांगड़े साहब, स्वागत है आपका, आइए। हरिश्चंद्र सांगड़े, इनकी बैटिंग देखी थी मैंने WPL में 40+ में, क्या छक्के लगाए थे। और ये देखिए गेंद जाएगी फिर से डिक्लेयर जोन में, एक रन मिलेगा और टोटल वल्लभ टीम का 4 गेंद 12 रन स्कोर कार्ड पर।
तर नक्कीच याच दरम्यान आमचे मान्यवर व्यासपीठावरती विराजमान झालेत माजी सरपंच शांताराम शिरजी पाटील आणि त्यांच्या समवेत हरिचंद्र सांगडे या मान्यवरांची उपस्थिती लाभली आहे व्यासपीठावरती. तर या शृंखलेच्या माध्यमातून या मान्यवरांचं सहर्ष सहर्ष स्वागत. प्रवीण पाटिल दो गेंद बचे इस ओवर की और इस गेंद को टैप किया ऑन साइड में ड्राइव बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहां पर जरूर हुई उसका पूरा फायदा मिला और रन आउट का चांस. बाल बाल बचे दो रन यहां से जोड़े जाएंगे इक्का दुक्का का सहारा अभी तक लिया जा रहा है. अगर बात करेंगे दो पांच मरतबा दो रन दौड़े गए उसमें से करीब एक वाइड भी था और एक विकेट टोटल आएगा 14 रन स्कोर कार्ड पर. लास्ट बॉल इन द सेकेंड ओवर ये सीधा ऑन साइड में गेंद हवा में होगी सीमा रेखा के बाहर ताकत का इस्तेमाल पावरफुल शॉट 6 रन 2 ओवर के समाप्ति टीम का टोटल आएगा स्कोर कार्ड पर इसी 6 के साथ 10 के रन रेट से 20 रन पहले ओवर में 9 दूसरे ओवर में 11 अब बची 12 गेंदे. पिछले मैच में भी 24 थे दो ओवर में चेरवेल टीम के टोटल 52 का टारगेट रखा था. देखना की फिर से एक बार ओवर प्ले ने इस वक्त दो ओवर में 20 बनाए आने वाले दो ओवर में कितने बनाएंगे. एमटीसी के कैमरामैन लगातार इस टूर्नामेंट को यहाँ पर कवरेज कर रहे मॉडर्न टेनिस क्रिकेट डॉट इन मयूर दाब ने जो पालीकोट से बिलोंग करते जिनकी वेबसाइट है यूट्यूब पर आप mtc.in अगर ये वर्ड्स डालोगे तो आपको जरूर मॉडर्न टेनिस क्रिकेट का पेज ओपन होगा वहाँ पे ये टूर्नामेंट्स आप लगातार लाइव देख सकते हैं. बड़ी प्रतियोगिता है ढोंगरचौड़ा के मैदान पर हर साल ये टूर्नामेंट खेली जाती है और हर साल 24-25 को इसकी डेट होती है और 26 को DPL यानी ढोंगरचौड़ा प्रीमियर लीग धमाका जो IPL है 6 टीमें ढोंगरचौड़ा की मैदान के अंदर खेलती है और इसमें से एक टीम चैंपियन बनती है. तो बच्ची 12 गेंदे कौन फेंकेगा और कितने आएंगे वल्लभ के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मैदान में 10 के रन से टीम का टोटल है 20 और तीसरी ओवर लेके राहुल मुंडे विनय गावन की बल्लेबाजी की बात करेंगे तो काफी शांत 5 गेंद खेली है महज 3 रन 5 गेंद पे 3 यह स्कोर है विनय का व्यक्तिगत. मिस्टाइमिंग शॉट के नवा में मिड ऑन में और एक कैच दूसरा विकेट भी बैक टू द पवेलियन टोटल लगा 20 और दूसरा सदमा वल्लभ टीम को लगता हुआ. राहुल मुंडे को पहली गेंद पे सफलता मिली है बहुत ही अच्छी गेंदबाजी क्या बात है. राहुल मुंडे के बाद केएल राहुल की याद आई हालांकि केएल राहुल को बैन है और हार्दिक पांड्या जिन्होंने काफी बुरी बुरी बातें कही टेनिस क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में टेनिस क्रिकेट भी काफी पॉपुलर है सुनील गोंदले सर यानी अगर टेनिस क्रिकेट के बल्लेबाज भी कुछ माइक्रोफोन पे बोल देते हैं तो उनका भी फॉर्म आउट फॉर्म हो सकता है. तो राहुल मुंडे स्ट्राइक एंड पे प्रवीण पाटिल नेक्स्ट बॉल गेंद को खोद के निकाला ऑन साइड में यहां से खिलाड़ी तैनात जरूर है एक मौका दे रहे यहाँ पर दो रनों का सिंपल एक रन मिला वल्लभ टीम का टोटल आएगा स्कोर कार्ड पे 21 रन यहां से लगते हुए. निर्भय पाटिल जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं तीन बल्लेबाज वल्लभ क्या थे विनय प्रवीण और निर्भय तीनों भी गेंदबाजी करते हैं तीनों बल्लेबाजी करते इसमें अमन भी गेंदबाजी करते चारों भी ऑलराउंडर. ये जरूर बैट कट होगी इनसाइड एज और निर्भय पाटिल का विकेट एक और सफलता तक्का टीम अपने अच्युतम फॉर्म में राहुल मुंडे को मिलती हुई दूसरी सफलता और टीम को मिलती हुई तीसरी सफलता 21 रनों पर क्या गेंदबाजी कर रहे तीन गेंद पे 2 विकेट्स और 1 रन बहुत ही अच्छी ओवर. तीसरी ओवर टर्निंग पॉइंट ओवर ज्यादातर होती है काका मात्रे और देखिए ये टर्निंग पॉइंट ओवर हो सकती है तक्का टीम के लिए क्योंकि रन कम हो गए तब जाके तक्का टीम ये मैच जीत सकती है और वो रनों पर अंकुश लगाने में अभी तक उनके गेंदबाज काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं. टेनिस क्रिकेट में गेंदबाजी अच्छी करना काफी मुश्किल बनता है पर ये काफी आसानी के साथ गेंदबाजी कर रहे राहुल मुंडे जिनके जर्सी नंबर 2 है और बहुत ही अच्छे 2 विकेट लिए उन्होंने. बंटी खाडेगर ऑन स्ट्राइक सीधा फेंक दिया मैंने कहा था ताकत लगानी होगी और देखिए बंटी खाडेगर में कितनी ताकत है सीधा फेंक दिया ऑन साइड में अफलातून छक्का टोटल आएगा 27 रन 4 गेंदे.
देखिए बंटी गाड़ेकर बता रहे कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। अगर आप में काबिलियत होगी तो कामयाबी आपके पीछे आएगी। बहुत अच्छी बैटिंग। एक और गेंद को फेंक दिया हवा में, शायद इसमें ताकत नहीं थी। और एक कैच, यह था चौथा विकेट। मतलब टीम का बैक टू पवेलियन, टीम का टोटल होगा 27 रन, 5 गेंदे, 17 गेंदे, 27 का स्कोर। प्रवीण पाटिल अभी तक मैदान में, यानी प्रवीण पाटिल सोचते कि आखिरी ओवर 6 गेंदे हम खेलेंगे, 6 गेंदे भी प्रवीण खेलेंगे तो आखिरी ओवर में उनको काफी मजा आएगा। यानी इस आखिरी गेंद पे उनकी ये रणनीति होगी कि इस आखिरी गेंद पे एक रन कैसे ले, उसके बाद अपने पास स्ट्राइक रखे। तो प्रतीक पाटिल मैदान के अंदर, टीम का टोटल है 27 रन। और ये देखिए सीधा फेंक दिया, एक और तूफानी सुल्तानी छक्का। ये था दूसरा तीसरा छक्का इस इनिंग का। टोटल आएगा स्कोर कार्ड पे तेजी से 33 रन। ओवर की समाप्ति, लास्ट 6 बॉल, लास्ट ओवर होगी मतलब टीम के लिए। डबल 3 का आंकड़ा स्कोर कार्ड पर। तीसरा छक्का आया जिनमें से 18 रन, 3 गेंद पे आई, 3 छक्के। और देखिए काफी रन दौड़ के लिए इक्का दुक्का से। और दूसरे ओवर जो इंदल की थी जिसमें 11, पहले ओवर में 9, तीसरे ओवर में 13 रन। हालांकि तीसरे ओवर में 3 विकेट राहुल मुंडे ने लिए, पहले ओवर में 1 विकेट, दूसरे ओवर में 1 विकेट, टोटल हुए 5 विकेट। 5 विकेट के नुकसान पे, 4 विकेट के नुकसान पे यहाँ पर वल्लभ टीम का टोटल है 33 रन। तो कल्पेश बैरा करेंगे आखिरी ओवर। देखिए कुशल पाटिल और अंकुश भरी के अंपायर के लगातार बेहतरीन अंपायरिंग। और मैंने कहा था आज इस प्रतियोगिता में काफी अंपायर देखने मिलेंगे, लगातार 2 दिन भगवान डोंगरे होंगे, प्रकाश फटके आएंगे, देवदास डोंगरे, महेंद्र डोंगरे, अंकुश भोई, हेमंत भोई, कुशल पाटिल, ऐसे कई अंपायर। लास्ट ओवर 6 बॉल। और ये देखिए यहाँ पर एक रन तो मिलेगा वाला टीम को, 2 में कन्वर्ट करेंगे, शायद तीसरे के लिए जरूर दौड़ेंगे क्योंकि प्रवेश स्ट्राइक लेना चाहते हैं। और ये देखिए 3 रन मुकम्मल, देखिए 5 गेंदे बचे, टीम का टोटल होगा स्कोर कार्ड पे यहाँ से लगते हुए 33 और 3, 36, 36 रन स्कोर कार्ड पर। गेंदबाज है यहाँ पर कल्पेश बैरा, आखिरी गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाज कर रहे स्लॉग ओवर, डेथ ओवर जिसमें सबसे ज्यादा रन बनते हैं सुनील गोंदली सर। पर आखिरी गेंदबाज भी टेनिस क्रिकेट का अच्छा गेंदबाज होता है क्योंकि आज का टेनिस क्रिकेट काफी आगे बढ़ चुका है। टेक्निकल गेंदबाजी आजकल आ चुके हैं, काफी गेंदबाज सीख चुके हैं, लेदर के गेंदबाज भी टेनिस पे आप प्रयास कर रहे खेलने का। और ये क्या किया, फुल टॉस, लॉलीपॉप, अंपायर का सिग्नल आएगा, सीधा सीमा का बाहर 6 रनों के लिए। और ये देखिए तेजी के साथ रन बनते हुए स्कोर कार्ड पे टोटल आएंगे 42 रन। प्रवीण पाटिल के फुल टॉस गेंद देना शायद काफी खराब गेंदबाजी में कहूंगा, टप्पा गेंद फेंकने की जरूरत होगी यहाँ पर कल्पेश बैरा को। प्रवीण पाटिल, मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे वही बल्लेबाज टिक पाएगा जो ताकत का इस्तेमाल करेगा क्योंकि आपको सीधा छक्के लगाना है। यहाँ पर लॉन्ग लेग थर्ड मैन क्षेत्र नहीं है, आप पीछे खेल नहीं सकते क्योंकि जब पीछे खेलना होता है तब आप टेक्निकल बल्लेबाजी करते हो अक्रॉस द लाइन। तो कल्पेश बैरा फिर से एक बार ओवर की तीसरी गेंद। और ये देखिए हवा में ऑन साइड में गेंद जाती हुई, ताकत, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, एक और शतकार, बहुत ही बढ़िया बैटिंग परफॉर्मेंस। लगते हैं 5 गेंद उनको मिली है और आखिरी दम तक खेलने का ही फायदा हो सकता है। टीम का टोटल आएगा 48, बैक टू बैक 2 छक्के आए, तीसरा आएगा। पिछले ओवर में भी छक्का लगाया था प्रवीण पाटिल ने, क्या बैटिंग करे, बहुत ही अच्छी बैटिंग। एक और बैक टू बैक, देखिए यहां पर 4 छक्के लगाए, तीसरे ओवर के आखिरी गेंद पे लगाया था छक्का प्रवीण ने, उसके बाद बैक टू बैक 3, बैक टू बैक 4 छक्के, क्या बैटिंग कर रहे।
54 रन स्कोर गाट पर, बहुत ही बढ़िया स्कोर। क्या बैक टू बैक दो छक्के आएंगे, छह छक्के बनेंगे, क्या रिकॉर्ड बनाएंगे प्रवीण? और ये देखिए, ये शायद पांचवा है या नहीं, और पांचवा छक्का जोरदार डालिया, क्या बल्लेबाजी अफलातून, बहुत ही बढ़िया बैटिंग, लगातार पांच छक्के प्रवीण पाटिल के नाम पर, बहुत ही शानदार बैटिंग, टोटल होगा 60 रन, बहुत ही उम्दा क्रिकेट। देखिए रनों की रन मशीन, वल्लभ की रन मशीन क्यों कहा जाता है दिखा यहां पर, एक बार जोरदार डालिया प्रवीण पाटिल के लिए, क्या छठवा छक्का आएगा, क्या इतिहास बनेगा, जो इतिहास नेहवाल के डे मैच में प्रवीण पाटिल ने बनाया था, लगातार छह छक्कों का ओवर द विकेट, और यहां पर ऑफ साइड में गेंद, जोरदार डालिया, छह गेंद छह छटकार, क्या बैटिंग है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, सबका दिल जीता, वल्लभ की रन मशीन फिर से एक बार मैदान के अंदर बरसे बारिश के बूंदों की तरह, और रनों की बरसात हुई, टोटल साहेबांचा इथे सत्कार केला जातोय। तर या शुंकलेची माईची उबदार शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन श्रीयुक्त शांताराम पाटील साहेबांचा इथं नक्की सत्कार केला जातोय। याच दरम्यान आशीर्वाद भगत यांचं सुद्धा इथं आगमन झालंय, या शुंकलेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत असेल। तसेच वामजेगावचे नक्कीच माजी खेळाडू हरिचंद्र सांगडे यांचं देखील इधर सत्कार केला जाईल। तर परेश ढोंगडे यांच्या शुभ हस्ते या मान्यवरांचा नक्कीच सत्कार केला जातोय। तर नक्की ज्याच्या पुढचा सामना असेल चिंद्रन विपक्ष टोंडरे, या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल, तर याच दरम्यान आशीर्वाद भगत यांचा देखील इथे सत्कार केला जाईल। तर आशीर्वाद भगत साहेबांना विनंती असेल आपल्या या शुंकलेच्या माध्यमातून आपला सत्कार केला जातोय। मायेचे उपदर्शक राहुल ढोंगरे यांच्या शुभ हस्ते आशीर्वाद भगत यांचा सत्कार केला जातोय। तसेच एक अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व आणि क्रिकेट खेळामध्ये चांगली खेळाडू वृत्ती दाखवणारे चिंद्रन गावचे आणि चिंद्रन संघाचे संघनायक राम पाटील यांचा देखील इथे सत्कार केला जाईल। तर यायचं आहे सागर, आपलं शुभ हस्ते राम पाटील यायचं आपण, नक्कीच चिंद्रन संघाचा एक अतिशय चांगला कप्तान सरसेनापती राम पाटील यांचं या शुंकलेच्या माध्यमातून सत्कार केला जातोय, मायेचे उपदर्शक आणि पुष्पगुच्छ देऊन। तर नक्की ज्याच्या पुढचा सामना असणार आहे चिंद्रन विपक्ष टोंडरे, मात्र यावेळी या मैदानावरती रेकॉर्ड संपन्न केला तो मात्र प्रवीण पाटीलच्या नावाने, सहा चेंडू बॅक टू बॅक आणि सहा षटकार। युट्यूबच्या माध्यमातून अनेक प्रेक्षकगण मॅचचा लाईव्ह टेलिकास्टिंग आपण पाहतो, एमटीसीच्या माध्यमातून युट्यूबवर केलं जातंय, ते वल्लभचे राकेश पाटील पुण्याला असताना मॅच बघतात, मात्र नक्कीच या वल्लभ संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा दिल्यात राकेश पाटीलच्या माध्यमातून, तर त्यांचं सुद्धा या शुंकलेच्या माध्यमातून मी स्वागत करतोय। तर वलू या सामन्याकडे, येणारे 24 चेंडू आणि 67 धावांचा पल्ला पार करावा लागेल तो मात्र टक्का या संघाला। तर गोलंदाजीच्या मार्कवरती आपण पाहू शकाल निर्भय या गोलंदाजाला, तर फलंदाज आपण पाहतोय विशाल कोहली आणि भगत, हे दोन फलंदाज सलामीला आलेले, मात्र यावेळेस 67 धावांचा पल्ला कशा प्रकारे पार पडतील हे पाहणं गरजेचं असणार आहे। मात्र वल्लभ संघाचा ज्याला रणांची रणमशीन म्हटली जातंय तो प्रवीण पाटील मात्र या मैदानावरती बरसला होता, यावेळेस मात्र सुंदर शतरक्षण केलं जात आहे, मात्र यावेळेस एक धाव घेतली जाते, एका धावेने श्रीगणेशा केला तक्का या संघाने, विशालच्या बॅट मधून निघालेली सिंगल धाव आणि एका धावेने सांघिक कोट्यामध्ये धाव संख्या आपण पाहतो एक धाव धावफलकावरती लागली जाते। तर निर्भय यावेळेस मात्र कशा प्रकारे गोलंदाजी
साकारले आवेलेस चेंडू उचललाय फलंदाजाने क्षेत्ररक्षक येतो जज केला जातोय सुंदर जज टिपला जातोय यावेलेस वाइड मिड विकेट क्षेत्रामध्ये अतिशय शेवटच्या क्षणाला चांगला एफर्ट दाखवलो या क्षेत्ररक्षकच्या माध्यमातून आणि सलामीला आलेला फलंदाज नेहमीच आक्रमक असतो त्या फलंदाजाला तंबूच्या आश्रयाला परतावं लागलं तर नवीन फलंदाज येतोय तो मात्र प्रशांत दुसऱ्या चेंडूवरती सफलता मिळते ती निर्भय या गोलंदाजाला मात्र पहिल्या चेंडूवरती एक धाव खर्च केली होती दुसऱ्या चेंडूवरती विकेटचं पत यावेळेस मात्र त्याच दिशेने फटका होता मात्र काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरून मोठा फटका येतोय सहा धावांसाठी तर फलंदाज आपण पाहतोय विशाल अतिशय फलंदाज बाद झाला तंबूच्या आश्रयाला परतला तर विशालच्या बॅट मधून निघालेला दणदणाचा षटकार संघाची धावसंख्या सात धावा धावपलकावरती लागल्या जातात यावेळेस तिसरा चेंडू मात्र खराब फेकला आणि त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला जातो विशालच्या माध्यमातून यावेळेस मात्र निर्भय गतीमध्ये परिवर्तन केलं मात्र चेंडू कव्हर पॉइंटच्या डोक्यावरून चेंडू आर पार सीमा पार चौकार चेंडू आणि क्षेत्ररक्षकाची शर्यत लागली होती मात्र शेवटच्या क्षणाला चेंडू सीमा पार झाला चौकार यावेळेस मात्र दोन चेंडू मध्ये दसकदम दाखवून दिला विशालाने ज्या दोन चेंडूवरती आधी राज्य गाजवलं होतं निर्भयाने पहिला चेंडू एक धाव दुसऱ्या चेंडूवरती सफलता मात्र मागच्या दोन चेंडू मध्ये दसकदम दाखवला विशालाने संघाची धावसंख्या अकरा धावा दुहेरी अंकामध्ये कन्वर्ट होताना यावेळेस मात्र सुंदर फलंदाजी साकारते मात्र अशी फलंदाजी पहिल्या सत्रापासून करणं टक्का संघाला गरजेचं असेल कारण धावांचा भला मोठा डोंगर त्यांच्या पुढे उभा आहे मात्र यावेळेस कमबॅकिंग गोलंदाजी निर्भयच्या माध्यमातून निर्धाव चेंडूची सांगता केली जाते विशाल याला मात्र चेंडू समजला नाही बॅट आणि चेंडूचा संपर्क झाला नाहीये निर्धाव चेंडूची सांगता यावेळेस मात्र धावसंख्या थांबवण्याचा प्रयत्न केला जातो निर्भय च्या माध्यमातून गोलंदाज जो पहिलं षटक हाताळताना आपण पाहतोय तर यावेळेस कमबॅकिंग गोलंदाजी अंतिम चेंडू असेल या षटकातील यावेळेस मात्र लाईन्थ आणि लेंथ बिघडली जाते आणि ती लाईन्थ आणि लेंथ आम्हाला दर्शवताना अंकुश भोईरच्या माध्यमातून स्वेअर घोषित चेंडू केला जातोय आणि नक्कीच या स्वेअर अतिरिक्त धावसंख्या एकने वाढली जाते तर धावपलकावरती धावा लागल्या जातात बारा धावा यावेळेस मात्र सुंदर गोलंदाजी साकारताना आपण पाहतो निर्भयाला मात्र शेवटच्या क्षणाला लाईन आणि लेंथ बिघडली जाते या गोलंदाजाची यावेळेस मात्र सुंदर चेंडू आणि सुंदर केलून काढला होता मात्र फलंदाज बाद होतोय पुन्हा एकदा दुसरा आदरा मिळतोय तक्का संघाला फलंदाज विशाल बॅक टू द पॅव्हिलियन याच दरम्यान व्यासपीठावरती मान्यवर उपस्थित होते शांताराम शेठजी पाटील माजी सरपंच ढोंगऱ्याचा पाडा आणि त्यांच्या समवेत हरिचंद्र सांगडे आमच्या इथून रजा घेताना या मान्यवरांचे नक्कीच मी आभार व्यक्त करतो या शृंखलेच्या माध्यमातून तर नक्कीच आपण पंचांच्या भूमिकेमध्ये पाहू शकाल अंकुश भोईर तर दुसरीकडे खुशाल पाटील तर नक्कीच आपण पाहतोय जय हनुमान वल्लभ संघ खेळत असताना पहिल्या सत्रामध्ये शेवटच्या सहा चेंडूवरती सहा षटकार मारल्या कारणाने मात्र पुण्यावरून त्यांचे समर्थक मॅच बघतात लाईव्ह एमटीसीच्या माध्यमातून युट्यूबवर प्रसारित केली जाते अभिजित पाटील स्वामी पाटील आणि राकेश पाटील यांनी खूप खूप शुभेच्छा दिल्यात प्रवीण पाटील आणि तसेच त्यांच्या संघाला देखील यावेळेस मात्र चेंडूला दिशा देण्याचा प्रयत्न प्रशांतच्या माध्यमातून आपण बघितला आणि नक्कीच दोन धावा प्रस्थापित केल्या जातात सुंदर क्रिकेट यावेळेस मात्र प्रशांतच्या बॅट मधून निघालेला दोन धावा या दोन धावेने संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय चौदा धावा धावपालकावरती लागल्या जातात मात्र यावेळेस एकेरी दुहेरी धावांवर प्राधान्य देऊन चालणारी या संघाला तर एकच मोठे फटके मारावे लागतील कारण धावांचा पल्ला बघितला तर 67 धावांचा पल्ला पार पाडायचा आहे
अवेलेस मात्र सुंदर चेंडू प्रवीण पाटीलच्या माध्यमातून पा अष्टपैलू खेळाडूंचा भरणा या संघामध्ये पहिले षटक हाताळलं होतं निर्भयानी तो सुद्धा अष्टपैलू खेळाडू आणि आपण पहिल्या सत्रामध्ये बघितलं बॅक टू बॅक सहा चेंडूमध्ये सहा षटकार मारले होते तोच यावेळेस गोलंदाजीच्या मार्कवरती अष्टपैलूची भूमिका साकारताना गोलंदाजीमध्ये पहा गतीमध्ये तुम्ही जर परिवर्तन केला तर गोलंदाजाला नक्कीच त्याचा फायदा होतो तोच फायदा आपण बघितला या दोन चेंडूंवरती बॅक टू बॅक दोन चेंडूची निर्धाव सांगता केली जाते प्रवीण पाटीलच्या माध्यमातून यावेळेस मात्र पकड निर्माण केली आहे पहिल्या सत्रामध्ये तर केली होती धावांचा पल्ला डोंगर उंचावला होता यावेळेस तिसरा चेंडू पाच वनडाऊनला आलेले फलंदाज प्रशांत वनडाऊनला आलेले फलंदाज हमेशा खतरनाक फलंदाज म्हटलं जातं मात्र यावेळेस त्याच फलंदाजाला शांत ठेवण्याचं काम केलं जात आहे प्रवीण पाटीलच्या माध्यमातून चार चेंडूची सांगता झाली आहे मात्र दोन धावा यावेळेस मात्र पाच चौथा चेंडू सुद्धा बॅक टू बॅक निर्धाव काढतोय गोलंदाज तो मात्र प्रवीण पाटीलच्या माध्यमातून आपण पाहतो धावसंख्या थांबली जाते धावसंख्या स्थिरावते चौदा या धावसंख्येवरती यावेळेस अंतिम चेंडू या षटकातील गतीमध्ये नक्कीच व्हेरिएशन आणलं जातं प्रवीण पाटीलच्या माध्यमातून आणि नक्की चेंडू जातो यावेळेस मात्र दोन धावा मिळतील फलंदाजाला आणि दोन धावाने संघाची धावसंख्या दुसरं वाजवी षटक संपन्न झालंय आणि दोन षटकामध्ये सोळा धावा उभारली आठची सरासरी राखली आहे ती तक्का संघाने येणारे बारा चेंडू आणि एक्कावन्न धावांची गरज असेल ती मात्र तक्का संघाला संघर्ष करावा लागेल मेहनतीची पराकाष्ठा करावा लागतील या तक्का संघाला तर याच्या पुढचा तिसरा सामना असेल चिंद्रन विपक्ष ठोंडरे तर ठोंडरे संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल चिंद्रन संघाचा संघनायक नक्कीच व्यासपीठावरती उपस्थित आहे ठोंडरे संघाचा संघनायक आपण यायचा आहे तर नक्कीच यावेळेस गोलंदाज आपण पाहतोय विनय गावंड पा अष्टपैलू खेळाडू सातत्याने चांगली कामगिरी करताना तर विनय गावंड याचा विचार केला गेला तर खिडूकपाड्याच्या मैदानावरती मालिकावीर म्हणून बाईक फटकावली होती तोच खेळाडू यावेळेस गोलंदाजीच्या मार्कवरती सुंदर गोलंदाजी तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण पा निर्भयच्या माध्यमातून चेंडू कार्पेट डाईचा होता मात्र ते उचलणं किती कठीण असतं मात्र ते कठीण काम सोपं केलं निर्भयच्या माध्यमातून आणि एक धाव लाभली जाते एका धावेने संघाची धावसंख्या आपण पाहतो एकोणीस धावा धावपालकावरती लागल्या जातात मात्र मेहनतीची पराकाष्ठा केली जाते वल्लभ संघाच्या खेळाडूंच्या माध्यमातून आपण पाहतोय आता मात्र निर्धाव चेंडू चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होत नाहीये मात्र या वनडाऊनला आलेला फलंदाज शांत ठेवण्याचं काम केलं जातंय वारंवार या गोलंदाजाच्या माध्यमातून तिसरा चेंडू निर्धाव फेकला जातो विनय गावंडच्या माध्यमातून यावेळेस मात्र पाच चेंडू ट्रॅव्हल झाल्यानंतर नक्कीच फलंदाजाला सुद्धा टायमिंग मिळाल्याने चेंडू कशा प्रकारे खेळायचा आणि दिशा दिली केवळ आणि एक मात्र धावसंख्या प्रस्थापित केली एका धावेने संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय वीस धावा धावपलकावरती लागल्या जातात तर विनय गावंडचा विचार केला गेला चार चेंडू फेकले जातात आणि चार धावा खर्च केल्या जातात यावेळेस मात्र सुंदर चेंडू होता पहा विनय गावंड सुद्धा गतीमध्ये परिवर्तन करतोय आणि त्याचा पुरेपूर फायदा या गोलंदाजाला होतोय आणि कुठल्याही प्रकारची धाव येत नाही निर्धाव चेंडूची सांगता यावेळेस सामना सुटत चाललाय तो तक्का संघाच्या खेळाडूंच्या माध्यमातून आपण पाहतोय कुठलाही संघर्षमय फटका मोठा येत नाही आता मात्र गॅप शोधलाय गॅप शोधण्यामध्ये यशस्वी ठरलाय चेंडू पाहणं गरजेचं असणार आहे आउटफील्ड खराब चेंडू थांबलाय नशीब सुद्धा साथ देत नाहीये तक्का संघाला यावेळेस आपण बघितलं आउटफील्ड खराब असल्यामुळे चेंडू थांबला जातोय आणि नक्कीच एक धाव धावपलकावरती लागली जाते एकवीस धावा धावपलकावरती लागल्या जातात यावेळेस मात्र बॅकफुटवर जाताना आपण पाहतोय तो मात्र तक्का संघ
त्याला टोटल संघाचा कुठला खेळाडू किंवा संगणक संगणक जर आला असेल तर त्याने उपस्थिती दाखवायची टोटल संघाच्या खेळाडूंना विनंती असेल. याच्या पुढचा सामना रंगणारे चिंद्रन विपक्ष टोंडरे, तर चौथा सामना असणारे वामजे विपक्ष बुर्दुल, आणि पाचवा अंतिम सामना असणारे ट्रॉम्बे विपक्ष देवीचा पाडा. मात्र यावेळेस गोलंदाजीच्या मार्क वरती अंतिम षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज वापरला जातोय. ऋतिक मात्र यावेळेस गोलंदाजीच्या मार्क वरती सहा चेंडू 46 धावांची गरज आहे. मात्र यावेळेस पहिल्या चेंडूवरती एक धाव प्रस्थापित केली जाते या सामन्यामध्ये. केवळ आता मात्र औपचारिकता उरली आहे. आपण पाहतोय सामना जिंकला आहे तो वल्लभ संघाने. मात्र येणारे पाच चेंडू 45 धावांची गरज असणार आहे. यावेळेस मात्र एक धाव घेतली जाते. जर सामन्याचा विचार केला गेला तर सामना आपल्या खिश्यामध्ये खेचून आणलाय प्रवीण पाटीलनं, ज्याने फलंदाजी करत असताना बॅक टू बॅक सहा चेंडूमध्ये सहा षटकार मारले आणि नक्की धावसंख्या उंचावली. हा धावांचा जर डोंगर असेल कुठल्या संघापुढे तर नक्की त्यांचा आत्मविश्वास ढासळतो. आणि तो आत्मविश्वास ढासळताना आपण बघितलं तक्का संघाचे सलामीचे फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला परतले आणि नक्कीच बॅकफूटवर जाताना पाहतोय आपण तो मात्र तक्का संघाला. आणि नक्कीच विजयाची घोडदौड करताना वल्लभ संघ यावेळेस मात्र लाईन आणि लेंथ बिघडली जाते या गोलंदाजाची. स्वेर चेंडू घोषित केला जातो अंकुश भोईर पंचांच्या माध्यमातून आणि नक्कीच अतिरेक एक धावसंख्या वाढली जाते. धावसंख्या 25. तर चौथा चेंडू असेल नक्कीच यावेळेस मात्र ब्रह्मास्त्र वापरलं तर अर्क लाईनचा चेंडू मात्र खोदून काढला फलंदाजाने. एक धाव मिळेल 26 धावा. निर्धाव चेंडूची याच दरम्यान इथे सामना जिंकतोय तो सामन्याचा हिरो ठरतोय प्रवीण पाटील. 10 चेंडूंचा सामना केला 47 धावा कुठून काढल्या आणि खऱ्या अर्थाने गोलंदाजी करत असताना 4 धावा खर्च